अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ आलू के कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये हमारे कटलेट्स के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आलू लिए थे आधा किलो, उन्हें मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। और एक पाव चने की दाल, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया था। और एक पाव चिकन ले लिया बोनलेस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब हम चिकन और दाल को भी बॉईल कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैंने एक कुकर ले लिया, इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। और चिकन और बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट और ब्लैक पेपर। अब हम मैं इसमें एक गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। और हम इसको 7 से 8 मिनट का वेट लगा देंगे, जब तक कि हमारा जो ये गोश्त और दाल है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसको वेट लगा लेते हैं और इसको पका लेते हैं। तो चिकन और दाल रेडी हो चुकी है। चिकन और दाल दोनों को मैंने अलग कर लिया है, चिकन को शेड कर लिया और दाल को भी पीस लिया था। और ये आलू भी बॉईल हो गए थे, इनको भी छील के रख लिया। और ये मैंने कोटिंग के लिए 3 टेबल स्पून बेसन और 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया। और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ले लिया, 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और थोड़ा सा धनिया ले लिया। तो अब हम इसको जो कटलेट्स का बैटर है उसको रेडी करते हैं। तो जो आलूओं को मैश कर लेते हैं पहले मैशर की मदद से। तो जो आलू मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें दाल और चिकन ऐड कर देंगे। इसको साफ कर लेते हैं। दाल और चिकन दोनों ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें भी, हरा धनिया और चिकन पाउडर भी। मैं चिकन पाउडर ले रही हूँ, आप इसकी जगह चाइना सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू के कटलेट्स रेडी होंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और जब कटलेट्स रेडी करते हैं, हाथों पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और ये ले लेते हैं ऐसे और इसका कटलेट्स बना लेंगे। पहले थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा गोल शेप दे देते हैं और प्लेट में साइड पर रख लेंगे। इसी तरह रेडी कर लेते हैं हम ये सारे। और इसका जो कॉर्नफ्लोर और बेसन का कोटिंग थी वो भी मैंने रेडी कर लेनी है, उसमें हम जस्ट थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ऊपर लगाने के लिए, उसकी कोटिंग रेडी कर लेंगे। जीवर इसी तरह हम सारे रेडी कर लेते हैं, अपने सारे कटलेट्स रेडी कर लेंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे। तो जीवर्स कटलेट्स रेडी हो चुके हैं और ये मैंने बैटर भी जो बेसन और कॉर्नफ्लोर का था रेडी कर लिया। और इसमें मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून
ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून नमक, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और बस अब सब कुछ रेडी है, अब हम जो कटलेट्स हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। थ्री आवर्स फ्राइंग शुरू करते हैं, अब हम सिंपल इसको बैटर में डिप करेंगे। और ऐड करते जाएंगे इसी तरह ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। थ्री आवर्स कटलेट्स फ्राई होने शुरू हो गए हैं, इनकी हम एक साइड को उसका कलर चेंज होने देते हैं, फिर इसको टर्न कर लेंगे। थ्री आवर्स अब हम इसकी साइड टर्न कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें क्रिस्पी क्रिस्पी से लग रहे हैं। थ्री आवर्स फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं क्रिस्पी से, इसको हम साइड पे निकाल लेते हैं। थ्री आवर्स देखें माशाल्लाह हमारे कितने प्यारे से कटलेट्स रेडी हो चुके हैं, अब हम इसी तरह बाकी भी कर लेते हैं। तो जो बाकी के भी ऐड कर लेते हैं, इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे और फिर इनको फ्राई करके इनको डिश आउट करके आपसे इनकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो जो देखें माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से आलू के कटलेट्स रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।